हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल एंड बाय सीइंग द टाइटल यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, यस यू आर राइट टुडे वी विल डू द एडिशन आप सब बोलोगे मैम एडिशन हमको बहुत अच्छे से आता है क्या जरूरत है सीखने का ट्रिक्स जरूरत है जैसे आपने आप जब एडिशन करते हो तो आपको कैरी तो करना पड़ता है तो मैंने देखा बहुत बच्चे वो कैरी को ऐड करना भूल जाते हैं और एडिशन जो है वो गलत हो जाता है तो इसीलिए मैं सोचा एक ट्रिक लेके आती हूँ जिसमें कैरी नहीं करना पड़ेगा और आप जो ट्रेडिशनल तरीके से आप जो एडिशन करते हो उससे बहुत ही जल्द आप खत्म कर पाओगे मतलब ये एडिशन कंप्लीट कर पाओगे सो लेट डू दैट ट्रिक आप देख रहे हो मैं पहले जो लिया है ना नंबर वो छोटा थोड़ा छोटा नंबर लिए है क्योंकि आपको समझने में आसान हो जाए फिर हम बड़ा वाला जरूर करेंगे ठीक है ना तो लास्ट में हम बड़ा वाला एकदम लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो उसके लिए आप वेट करो और ये जो छोटा नंबर सा ट्रिक है ये आप जल्दी से सीख लो ठीक है तो पहले देखो ये जो 843 एंड 279 दो नंबर दिया गया है ये जो दो नंबर है इसको तुम ऐड करने जाओ तो यहाँ कैरी होगा तो हम वो कैरी नहीं करेंगे तो मैम क्या करेंगे देखो हम सीखते हैं हम क्या करने वाले हैं तो पहले देखो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड आप लोग तो राइट हैंड साइड से एडिशन शुरू करते हो ना मैं लेफ्ट हैंड साइड से एडिशन शुरू कर रही हूँ ठीक है तो एट प्लस टू क्या होता है आप इधर लिख लो एट नाइन टेन होता है तो आप टेन लिख लो सेवन प्लस फोर क्या होता है सेवन एट नाइन टेन इलेवन होता है तो ऐसे लिख लो इलेवन जीरो के नीचे वन और एक वन जो है वो बाहर की तरफ फिर नाइन प्लस थ्री नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो आप ट्वेल्व को लिख लो फिर आप ऐड कर दो सबको ये तो टू हो गया वन प्लस वन टू वन प्लस जीरो वन ये हो गया वन तो आपका आंसर आ गया टू टू वन 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 थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू तो है ना इजी ट्रिक ये yes, तो चलो हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते दूसरा एग्जाम्पल ये वाला है इसको भी हम क्या बोला पहले लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है सेवन प्लस सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन देन वी विल राइट फाइव प्लस थ्री फाइव सिक्स सेवन एट एट जो होता है एट सिंगल डिजिट होता है इसलिए मैं ये नंबर चूज किया कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम आएगा मुझे मालूम है आप कहाँ पे अटक जाओगे जिधर भी अटक जाओगे हम वो अलग चीज आपको क्लियर करना चाहती हो इसलिए ये लिया देखो फाइव प्लस थ्री जो होगा वो एट होगा एट क्या है एट सिंगल डिजिट है तो हम एट नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे जीरो एट, ठीक है फिर एट प्लस टू लिख दिया फिर इनको हम प्लस कर लेंगे जीरो तो जीरो एट प्लस वन नाइन थ्री प्लस जीरो थ्री एंड वन तो हो गया आपका आंसर जीरो नाइन थ्री वन इज इट टेक है अब हम ये बड़ा वाला करेंगे ठीक है देखो कितना बड़ा इतना बड़ा तो आपको करना ही पड़ता है क्लास में इतना छोटा छोटा तो आता नहीं है छोटा छोटा मैं ही इसीलिए दिया कि आप ठीक पहले समझ लो अच्छी तरह से फिर हम बड़ा वाला में आते हैं बड़ा वाला में भी हम एक ही चीज करेंगे देखो अच्छा सबसे पहले ये देखिए इधर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिजिट है इधर वन टू थ्री फोर फाइव डिजिट है तो आप एक जीरो यहाँ बिठा लो इधर जो है टू जीरो बिठा लो ठीक है इतना तो कर ही सकते हो फिर फिर देखो सिक्स प्लस वन सेवन तो मैं लिख देती हूँ जीरो सेवन फिर थ्री प्लस थ्री नाइन सिक्स सिक्स सेवन एट एट के लिए हम लिख देते हैं फिर से जीरो एट फिर देखो फो ये इसको हम ये लाइन को हम प्लस करेंगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन प्लस वन टेन तो इधर हम टेन लिख दिया नाइन प्लस टेन टेन प्लस सेवनटीन एटीन नाइनटीन तो नाइन्टीन लिख दिया फिर देखिए एट प्लस टू टेन प्लस फाइव फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एट्टीन तो हम एट्टीन लिख दिया फिर लास्ट वाला करना है एट प्लस टू फिफ्टीन फिर एट प्लस टू टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फोर तो मैं नाइनटीन लिख दिया अभी सबको जोड़ लेंगे ठीक है तो पहले ये क्या हो गया यहाँ जोड़ के मैं यहाँ लिखती हूँ ठीक है तो आपको समझने में आसान होगा नाइन है तो पहले नाइन लिख दिया फिर एट प्लस वन नाइन फिर नाइन प्लस वन क्या होता है टेन तो जीरो लिख दिया वन कैरी हो गया वन प्लस वन टू हो गया टू होने के बाद एट प्लस वन नाइन हो गया प्लीज फिर से फिर क्या हुआ सेवन हुआ सेवन प्लस जीरो सेवन हुआ अब देखो सेवन नाइन टू जीरो नाइन नाइन ठीक है ना ये आ गया आपका आंसर कितना इजी हो गया आप राफ में ये चीज़ कर सकते हो और आंसर लिख सकते हो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा और टाइम कम लगेगा और गलती भी क्या होगा कम होगा है ना अब हम आपको क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके ये सीख लो जैसे कभी मैं जब पे कॉपी से करूँगी तो किसी को किसी को कोई भी मिस्टेक ना आए सभी का साम करेक्ट हो तो इसलिए आप क्या करोगे आप सारे के सारे जितने आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो और सबको ही सब्सक्राइब करके वॉच करो और अच्छा से अच्छा ट्रिक्स जो है ना वो आप सीख लो ठीक है ना तो और आप जरूर मुझे ये बात बोलिए कि आपको किस टाइप का वीडियो का जरूरत है कौन सा चीज़ आप सीखना चाहते हो जैसे आप बोल दोगे ना तो मैं उसी तरह का वीडियो वही टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको दूंगी तो मुझे ऐसा फील होगा कि चलो बच्चे का काम आ रहा है है ना तो आप जरूर कमेंट करना लाइक करना आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि न्यू वीडियोस बनाने के लिए है ना तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ठीक है तो टुडे इज दिस मच एंड बाय बाय